नमस्कार दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं सबसे सस्ते कर्व सुपर अमोलेड डिस्प्ले वाला फोन, जिसको आप पकड़ने से काफी एक्सपेंसिव स्मार्टफोन जैसा फील होगा। दोस्त, ये स्मार्टफोन का गॉर्जियस लुक और अमेजिंग फीचर आपको दीवाना बना देगा। दोस्त, सारे जानकारी आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्त, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त, इस फोन में 6.78 इंच 3D कर्व AMOLED डिस्प्ले दी गई है। हैंडसेट यूनिसोक T616 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है। 50MP का प्राइमरी कैमरा के साथ सेल्फी के लिए फोन में 32MP फ्रंट कैमरा है। फ्रंट और बैक में LED फ्लैश का सपोर्ट दिया गया है। OS Android 13 पर चलता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक सपोर्ट भी दिया गया है। फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 18W चार्जिंग का सपोर्ट देता है। Intel S23 Plus स्मार्टफोन की डिजाइन की बात करें तो ये फोन काफी बड़ा दिखता है। जब आप फोन को हाथ में पकड़ते हो तो आपको ये फील होता है कि आपने कोई महंगा फोन पकड़ा हुआ है। फोन का बैक प्लास्टिक का है, लेकिन हाथ में लेने पर यह प्रीमियम लगता है। घुमावदार डिस्प्ले आपको S6 एज दिनों की याद दिलाता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा एप्पल के आईफोन प्रो मॉडल जैसा दिखता है। Intel S23 Plus की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें सामने की तरफ 6.78 इंच का 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है, जो फुल HD जोड़ रेजोल्यूशन के साथ आती है। बजट फोन के हिसाब से डिस्प्ले आकर्षक लगता है। सामने की तरफ एक पंच होल कैमरा है और डिस्प्ले के चारों ओर कम बेजल्स है। हालांकि इसमें स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट जो थोड़ी कम लगी है। हैरानी की बात यह है कि मात्र 12,999 रुपए में फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। फोन में प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 दिया गया है। डिस्प्ले में 500 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। Intel S23 Plus स्मार्टफोन के 50MP कैमरे से आप आसानी से क्लियर तस्वीरें ले सकते हैं। Intel S23 Plus में पीछे की तरफ एक LED फ्लैश है, जो अच्छी रोशनी में बढ़िया तस्वीरें क्लिक करता है। Intel S23 Plus का 32MP फ्रंट फेसिंग कैमरा यूजर्स के लिए सेल्फी निकाल कर लाता है। इस बजट में आपको ठीक ठाक इमेज क्वालिटी मिल जाती है। ये बेहतर रोशनी में अच्छी इमेज क्लिक कर लेता है। कैमरे में आपको कई मोड देखने को मिलते हैं। दोस्त, वीडियो में बस इतना। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोज देखने के लिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।